राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। उत्तराखंड में खाद्य विभाग की अपात्र को ना पात्र को हाँ अभियान के तहत पूरे प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने वालों की लाइन अलग अलग जनपदों के जिला पूर्ति कार्यालय में लग रही है। हालांकि उपभोक्ताओं की ओर से राशन कार्ड की पात्रता और अपात्रता को लेकर अब भी दुविधा बनी हुई है। दरअसल विभाग की ओर से कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने से लोग असमंजस में हैं। वर्तमान में प्रदेश में 3 प्रकार के कार्ड बनाए जा रहे हैं। इनमें अत्योदय यानी गुलाबी राशन कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य योजना का सफेद कार्ड और इससे ऊपरी वर्ग के लोगों के लिए पीला कार्ड है। तीनों कार्ड बनाने की अलग अलग शर्तें हैं। गुलाबी कार्ड धारक वार्षिक आमदनी 15,000 से कम होनी चाहिए, साथ ही इनकम का कोई स्रोत नहीं हो, वह दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग जिसका कोई सहारा ना हो। सफेद कार्ड धारक परिवार की वार्षिक आय 15,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरी, रिटायर्ड पेंशनर्स, आयकर दाता और 2 हेक्टेयर भूमि वाले इस श्रेणी में नहीं आए। इसमें अन्य मानक भी तय किए गए हैं। पीला कार्ड धारक 1.5 लाख से अधिक आय वाले और 5 लाख से कम आय वाले उपभोक्ता पीले कार्ड के हकदार होंगे। 5 लाख से अधिक आय वाले परिवारों को पीले कार्ड जमा कराने होंगे। खाद्य पूर्ति विभाग का कहना है कि गांव से लेकर शहर तक इस बारे में प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य की आबादी के नजरिए से देखें तो उत्तराखंड में बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की संख्या अधिक है। जिन लोगों के पक्के मकान है, गैस कनेक्शन है, वो बीपीएल कार्ड की सूची में शामिल है। इतना ही नहीं, नौकरी पेशा वाले लोगों के परिवार में बीपीएल कार्ड धारक है। इसमें जो सबसे बड़ी धांधली है वो पंचायत राज से होती है, जिसे रोकने की जरूरत है। जैसी धामी सरकार दोबारा सत्ता में आई और धामी सरकार ने जो सबसे बड़ा एक्शन लिया है वो लिया है राशन कार्ड पे। आपको बता दें कि उत्तराखंड शासन ने शासन आदेश जारी किया कि जिन लोगों के पास अपात्र राशन कार्ड है बीपीएल के, यानी जिसकी 15,000 से ज़्यादा इनकम है या जिसके पास पक्का मकान और LPG गैस है, उसको अपना बीपीएल अंत्योदय कार्ड समर्पित करना होगा। नहीं तो सरकार उस अपात्र व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके और रिकवरी कर सकती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यदि हम बात करें उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र की, यदि हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90% पक्के मकान हैं और LPG कनेक्शन भी है। तो यदि हम माने कि यदि सरकार की यदि ये नीति और ये शासन आदेश यदि अमल में आता है तो पहाड़ी क्षेत्र में 10% ही बीपीएल कार्ड रह जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से पहाड़ों में पंचायती राज विभाग राशन कार्ड बनाता है और उसमें सबसे ज़्यादा धांधलीबाजी देखने को मिलती है, यदि कहीं ना कहीं सरकार को ये कदम और उठाने की ज़रूरत है कि यदि जो भी अधिकारी और कर्मचारी यदि किसी का भी अपात्र का यदि बीपीएल कार्ड बनाती है तो उसके ऊपर सरकार को एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है कि जिससे कम से कम अधिकारी कर्मचारी के ऊपर एक भय का माहौल रहे और कुछ अधिकारियों पर गाज गिर सके, ताकि आने वाले समय पे अपात्र के लिए सरकार को इतने पापड़ बेलने की ज़रूरत न पड़े।